नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इजी विद कुसुम में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में हेल्दी टेस्टी परांठा। ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है और एकदम जल्दी बन जाता है। तो बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने बाउल लिया है और इसमें एक कटोरी आटा गेहूँ का, और ये मैंने पनीर निकाला था तो उसी का ये पानी है। तो आधा चम्मच से कम नमक, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे, इसका डो बना लेंगे। तो डो बना लिया है हमने, और हाथों में घी लगाकर इसको थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए ढककर। फ्राई पैन गैस पर रख दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और जीरा आधा चम्मच। तो इसको चटकने के बाद डाल देंगे इसमें प्याज और 2 हरी मिर्च। प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज की, और एक कद्दूकस की हुई गाजर, इसी के साथ एक शिमला मिर्च मीडियम साइज की कद्दूकस की हुई। तो इन सभी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इसी के साथ डाल रही हूँ तो 1 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। तो सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे, और आधा चम्मच से कम चाट मसाला, और आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच जीरा पाउडर। तो मिक्स करते हुए इसे अच्छे से, और इसी के साथ मैंने पनीर लिया है, ये घर का बना हुआ पनीर है, इसको कद्दूकस करके डाल दिया इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका था, अब हमारा जो आटा है वो भी रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा घी लगा के इसको अच्छे से मथ लेंगे। तो अच्छे से मैंने इसको मथ लिया है, तो इसकी लोई बना लेते हैं। अभी आप लोई अपने हिसाब से जितनी बनाना चाहिए परांठा उतना बनाएं। तो मैं 2 बना रही हूँ। तो हमने जो लोई बना ली है तो अब इसको बेल लेते हैं। जैसे हमें रोटी बेलते हैं इस तरह से हमें इसको बेलना है। तो हमने जो इसकी पिट्ठी बनाई थी उसी को इस पे रख देंगे, उसको दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप यकीन मानिए जो ये परांठा है खाने में बहुत अच्छा लगता है, और इसको बनाने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इसको हमें हल्के हाथ से बेलना है। तो हमने दोनों परांठों को बेल लिया है और फ्राई पैन रख दिया है, इस पे थोड़ा सा घी डाल दिया है। आप इसी जगह तेल भी ले सकते हैं। तो हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है, तो इसी को रख देंगे परांठों को इसी के ऊपर। तो इसको पलट लेते हैं और ऊपर से लगा देंगे घी। तो दूसरी तरफ से पलट कर इसको उसी तरफ से भी लगा लेंगे। तो हमने दोनों तरफ से लगा लिया है और उसको पलट लिया है। तो हमारे परांठे सिक चुके हैं, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अचार से, चटनी और दही से आपको इसको सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और बताएं आपको कैसा लगा। ब्रेकफास्ट बनकर एकदम तैयार है, मैं आपको पूरी थाली दिखा रही हूँ। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।